वेलकम टू आइडा क्लासेस फ्रेंड्स। 13 सितंबर रेलवे ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आया था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? 1951 से 56 के बीच। नेक्स्ट आया था, 73वां 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1992। नेक्स्ट आया था, बानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल का। नेक्स्ट आया था, भीमा कृष्णा की सहायक नदी किस राज्य से किन किन राज्य से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट आया था, 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो 43.63%। नेक्स्ट आया था, धातु का ऑक्सीडेशन का नेचर कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट आया था, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी डेरी जियो। नेक्स्ट आया था, अवतल दर्पण में अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर पर हो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इमेज कैसा बनेगा? तो हम लोग अवतल दर्पण में देख लेते हैं, फोकल लेंथ कितना है? 10 है। फोकल लेंथ 10 है और वस्तु का दूरी कितना है? तो 20 सेंटीमीटर पर दिया गया, यानी रेडियस ऑफ कन्वेचर यानी सी, इसी पर वस्तु अगर बनाते हैं तो इस पर फिगर कैसा बनेगा? तो ये फिगर हम बना रहे हैं तो इस पर कैसा बनेगा? तो ये हमेशा बन जाएगा किस पर? तो ये बन जाएगा हमेशा सेंटर ऑफ कन्वेचर पर। सेंटर ऑफ कन्वेचर पर यानी यह बनेगा वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर अवतल दर्पण में वस्तु 50 सेंटीमीटर, फोकस लेंथ 40 सेंटीमीटर हो, इमेज कहाँ बनेगी? तो हम लोग अवतल दर्पण अगर बना के देख लेते हैं तो उसमें क्या होगा? तो इसमें अगर फोकस लेंथ है 40 सेंटीमीटर है, यानी फोकस लेंथ है 40 है, उससे 10 आगे, अगर सेंटर ऑफ कन्वेचर कितना होगा? तो सेंटर ऑफ कन्वेचर होगा 80 फोकल लेंथ, इसको बीच में बनेगा, बीच में कहीं भी रखेंगे इस पर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो ये बनेगा हमेशा हमेशा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट आया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो हमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 4 ओम 8 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में 9 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है, तो करंट कितना होगा? तो हम लोग आर इजकल टू निकाल देते हैं, 1/r समानांतर में, तो 1/r1 कितना है? तो 4, 1/8 प्लस का 1/6, यहाँ से एलसीएम निकालें तो इतना आएगा 24 आएगा, 4 6 के 24, 8 3 के 24 और 6 6 के 24 होता है, 6 4 10 3 13, 13/24 यानी आर इजकल टू आया, आर इजकल टू 24/13 आया। हम लोग जानते हैं भी इजकल टू क्या होता है, तो आई इंटू आर होता है, वोल्टेज दिया गया है 9, आई निकालना है, करंट दिया गया है 24/13, आई इजकल टू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 9 × 13/24, तो यहाँ 8 3 के 24, 8 8 3 के 24, 3 3 के 9, यानी 13 39/8, यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ भाग देंगे तो आएगा 8 4 के 32, यानी 4.87 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? तो 4.87 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़ी हुई हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो छोटे प्रतिरोध से कम होगा। नेक्स्ट आया था, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो 1028। नेक्स्ट आया था, दुर्लभ पर्वल अम्लक्षार मिलने पर पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट आया था, जलभृत क्या है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टाने के नीचे स्थिर पानी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भूखमरी सूचकांक में कौन सा देश 101 स्थान पर है? तो भारत। नेक्स्ट आया था, भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? तो 29। नेक्स्ट आया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर साकेत सौरभ को। नेक्स्ट आया था, अगर फोर्थ लेवल लेवल की एनर्जी 10 जूल है तो प्राथमिक लेवल की एनर्जी कितनी होगी? तो फोर्थ लेवल का 10 है तो इसके 10 से को 4 बार अगर गुना करेंगे, फोर्थ लेवल है तो 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 1/4 0 जूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पौधे की अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलते हैं? तो पत्तियां से, जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको PDF डाउनलोड करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।